दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जापान में भूकंप के झटके, मुखिया की सोच ने बदली पंचायत की तस्वीरें। बेहतर प्रदर्शन को मिला सरकार से सम्मान। देश के आधे एटीएम बंद हुए तो होंगे नोटबंदी जैसे हालात। जापान के दक्षिणी इबाराकी प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र 36.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 139.9 डिग्री पूर्वी देशांतर में रहा। सोच सही और इरादे बुलंद हो तो हालात कोई मायने नहीं रखता, ये साबित किया है। दुग्धा, जरीडीह और गुंडूर पंचायतों के मुखियाओं ने अपने अथक प्रयास से इन लोगों ने अपने पंचायतों की तस्वीर बदल दी है। तस्वीर इतनी बदली कि वो जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में मिसाल है। उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने हाल ही में आगाह किया है कि मार्च 2019 तक देश के आधे एटीएम बंद हो सकते हैं। इस पर अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर मार्च 2019 तक देश के आधे एटीएम बंद होते हैं तो देश में नकदी की कमी, बैंकों में लंबी लंबी कतारें और एक बार फिर नोटबंदी जैसे हालात बन सकते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।